बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो अपने मारू कर्मा करके सलाखों के पिछे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारतीय अपराधिक इतिहास में एक अजिहा नाम है जो बहुत ज़्यादा विवादपूर्ण रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस और कानून के अनुसार एक गैंगस्टर है, पर बहुत सारे लोग उसनू नायक मानते हैं। अपने आप को एक विद्यार्थी आगू होने का दावा करने वाला लॉरेंस बिश्नोई भारतीय कानून और भारत पुलिस के अनुसार एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। लॉरेंस पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। उसनू खतरनाक इसलिए भी मनिया जाता है क्योंकि वह जेल के बिचों ही अपराधिक गतिविधियां चला रहा है। उसका नैटवर्क ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फैलिया हुआ है। लॉरेंस का नाम उस वक्त सब तो वध सुर्खियों में आया जदों उसने सलमान खान को जान तो मारन की धमकी दी थी। तो चलो दोस्तों, अज की अपनी इस वीडियो के असी जानते हाँ खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पूरी जीवनी बारे। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1992 में पंजाब के अबोहर में होया। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई सचखंड कॉन्वेंट स्कूल अबोहर तो पूरी की। लॉरेंस एक चंगे परिवार नाल संबंधित है क्योंकि उसके पिता पंजाब पुलिस विच हन अते उन्हां कोल पुरखिया जमीन भी काफ़ी चंगी है। इसलिए पहले दिन तो ही लॉरेंस शानदार जीवन बतीत कर रहा सी। अपनी सैकेंडरी की पढ़ाई पूरी करन तो बाद लॉरेंस अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने लई चंडीगढ़ DAV कॉलेज विच दाखला लैंदा है। लॉरेंस शुरू तो ही खेड अते जिम का शौकीन सी, इसलिए कॉलेज समय दौरान वह अपने दूजे दोस्तों के संपर्क में आया अते उन्होंने विद्यार्थी राजनीति लई एक गैंग बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनीवर्सिटी तो विद्यार्थी चोणा लड़न का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक जथेबंदी सोपू बनाई। सोपू के अधीन ही उसने पंजाब यूनीवर्सिटी दी चोणा लड़िया, पर बदकिस्मती नाल वो चोण हार गया। लॉरेंस अते उसकी विरोधी पार्टी आम तौर पर कुछ सांझियां समस्यावां नूं लैके हर रोज़ लड़ते रहिंदे सन, पर यह सांझा झगड़ा एक दिन गैंग युद्ध में बदल गया। सैक्टर 11 में लॉरेंस ने विरोधी धिर उत्ते गोलीबारी की, जिस तों बाद पहला मौका सी जदों लॉरेंस के खिलाफ केस दायर किया गया। उस दिन तो हर कोई लॉरेंस का नाम लै रहा सी। लॉरेंस फायरिंग अते पुलिस केस कारण मशहूर हो गया। यह उसकी जिंदगी का मोड़ सी। खबरां अते सूत्रां दे अनुसार लॉरेंस बिश्नोई दे चचेरे भरा उसके दुश्मन समूह द्वारा कतल किए गए सन अते लॉरेंस बदला लेना चाहुंदा सी। इसलिए जदों पुलिस उसनू अदालत में पेश होने ले जा रही सी तां वह जेल दे विचों भज गया। उसने नेपाल तो कुछ हथियार खरीदे अते अपने चचेरे भरा दे कातलां नू मारन दे लई मौका तका रहा सी। जदों वह कातलों की भाल कर रहा सी तां फरीदकोट पुलिस ने उसनू देखिया अते गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस भयानक सुपारी किंग लई जाणिया जांदा है क्योंकि वह जेल तो अपनियां बुराइयां नू चलाउंदा है। जोधपुर के डॉक्टर, फाइनेंसर अते ट्रैवल एजेंट के कतल लई लॉरेंस के विरुद्ध एक फाइल है। मोस्ट वांटड आनंदपाल गैंगस्टर के एक दुश्मन नू मारन के कारण लॉरेंस बिश्नोई नू जोधपुर में लिया गया। लॉरेंस 2017 तो जोधपुर में है अते मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर अते बिश्नी भाईचारे द्वारा काले हिरन के केस फाइल हैं। लॉरेंस 2017 तो जोधपुर में है अते दूजे पासे सलमान खान के उपर काले हिरन नू मारन के लिए बिश्नी भाईचारे द्वारा केस दायर किया गया सी। इसे दौरान ही जदों लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेची सी तो उसनू एक पत्रकार ने पूछा कि वह गैंगस्टर है, तो लॉरेंस ने जवाब दिता कि वह गैंगस्टर नहीं है, वह एक विद्यार्थी आगू है। उसने कहा कि जदों भी वह कुछ करेगा तो कुछ बड़ा करेगा। जदों उसने सलमान खान का कतल कर दिता तो तुम उसनू गैंगस्टर कह सकते हो। लॉरेंस का यह बयान कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और न्यूज़ चैनलों ने उसनू खबर बनाना शुरू कर दिता। कुछ लोगों ने इस बयान को बिश्नोई कम्यूनिटी और ब्लैक डियर हंट केस नाल जोड़िया। बिश्नोई कम्यूनिटी काले हिरन की पूजा करती है और सलमान खान से केस फाइल भी बिश्नोई कम्यूनिटी द्वारा ही किया गया सी। न्यूज़ चैनल काला हिरन और बिश्नोई कम्यूनिटी आपस में जोड़ के काफ़ी पॉपुलैरिटी प्राप्त करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक चंगे परिवार विचों है। जिथे उस को खेती लई पूर्वज जमीन है उत्थे ही उसके पिता पंजाब पुलिस विच कॉन्स्टेबल रैंक ते सी। लॉरेंस एक स्पोर्ट्स प्लेयर सी जिसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अगे वह कैरियर के रूप में कानूनी की डिग्री हासिल करना चाहता सी। कुछ सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कोल 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के उपर 50 तो ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इस तों इलावा बिश्नोई अपने आप को भगत सिंह का पैरोकार मानता है। मीडिया में उस दी काफ़ी फोटोज़ और वीडियोज़ हैं जिन्हों में उसने भगत सिंह के फोटो वाली टी शर्ट पहनी हुई है। तो दोस्तों, यह सी लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। सानू उम्मीद है कि साड़ी द्वारा दी गई जानकारी तुहानू जरूर पसंद आई होगी।